नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के इस लेक्चर में आप सबका एक बार वापस स्वागत है बेटा। आपको पता है बेटा, हम लोग कर रहे हैं पार्ट वन, उसका चैप्टर नंबर थ्री। नाम क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम क्या है इसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? ओके, हम लोग 3.3 कर रहे हैं बेटा, और उसमें क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड वन हमने किया नहीं था। क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड वाला हमने किया नहीं था। हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उसको देख के लेंगे बेटा, राइट? ओके, ए प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। ओके बेटा, ओके, सो व्हाट इज दैट? गुड मॉर्निंग शैलेश, वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन जो अपन ने कल देखा था बेटा, क्वेश्चन वन का थर्ड, क्वेश्चन वन का थर्ड बेटा। ओके, कल अपन ने नहीं किया था ना बेटा ये? ओके, मैंने बोला था ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी है। ए प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव। ओके बेटा, अब देखो बेटा, इसमें ना इफ यू फॉलो द प्रोसीजर इट इज वेरी सिंपल, लेकिन अगर आप इसको प्रोसीजर से नहीं जाओगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेटा। ओके, तो लेट्स सी द प्रोसीजर। ओनली वन थिंग इज डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय। अब किससे करना है, याद कैसे रखेंगे बेटा? अभी ये जो है ना राइट हैंड साइड में जो अपने को प्रूव करना है उसी से अपन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट विल वी गेट, ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट द डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। ओके, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में गलत है, यहां पर सी ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो अपन ने इसको सी से लिख लिया है बेटा यहां पर, राइट? कोई इशू, कोई गड़बड़, कोई घोटाला? नथिंग। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप वॉज बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से किया है बेटा अपन ने। ओके, सो अगर अपन ने ये ओमेगा स्क्वायर लिया, ओके, एंड अंदर क्या किया बेटा अपन ने, व्हाट वी हैव डन इनसाइड, ओमेगा स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, तो वो रह जाएगा सी, करेक्ट? ओके, प्लस अब यहां पर देखो बेटा, बी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज वन ऑफ द ओमेगा विल गेट कैंसल, बी अपॉन ओमेगा, करेक्ट? ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ना इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को अपन ने हाथ भी नहीं लगाया है, बी ओमेगा स्क्वायर। ओके बेटा, राइट? ओके, क्या किया बेटा अपन ने, ओमेगा स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअली सबको डिवाइड किया है, हर एक को, ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसल, बचा सिर्फ सी, बी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, वन ऑफ द ओमेगा गेट्स कैंसल एंड वी गेट बी अपॉन ओमेगा, राइट ना बेटा? ओके, एंड प्लस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर जो है, ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर जो है वो अपन ने वैसे के वैसे रखा है। नाउ व्हाट वी नो, वी नो दैट शैलेश गुप्ता, ओके शैलेश, देखो बेटा यहां पर ये जो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर यहां पर जो कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, सी, और उसको मैंने सबसे पहले लिखा है बेटा, इसकी वजह से आपका कंफ्यूजन हुआ है, सी सबसे लास्ट है, अपन ने उसको पहले लिखा है, तो मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, देखो दिस इज ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी अपॉन ओमेगा प्लस सी, नीचे तो है सी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? अब ये सी जो है बेटा मैंने सबसे पहले लिख लिया, करेक्ट? ओके, फिर बी अपॉन ओमेगा एंड बाद में ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा बेटा, देखो नीचे के जैसे आ गया बेटा, सी पहले है ना, और बिल्कुल नीचे के जैसे वो आ गया है, पहले अपन ए ओमेगा लिखेंगे और बाद में
बी अपॉन ओमेगा लिखेंगे, देन इट विल बी सेम एज द डिनोमिनेटर. इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? नहीं है तो बिंदास पूछो बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके बेटा, अब देखो यहां पर क्या होगा. व्हाट वी नो दैट वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा. याद है कि नहीं बेटा आपको? ओके, कैसे आया वो देखेंगे अपन. वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा. वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो क्या मिलता है बेटा अपने को? ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब. एंड दिस ओमेगा क्यूब वी नो दैट इज इक्वल टू वन. ओमेगा क्यूब कितना बेटा? वन है कि नहीं? तो दिस विल बी ओमेगा. वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, एक बार वापस देखेंगे बेटा. सिमिलरली वन अपॉन ओमेगा क्या आता है बेटा? वन अपॉन ओमेगा आता है ओमेगा स्क्वायर. कैसे बेटा? विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ओमेगा स्क्वायर. क्या आएगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब. अब ओमेगा क्यूब तो वन है, विच मीन्स इट इज ओमेगा स्क्वायर. कितना आ गया बेटा? ओमेगा स्क्वायर. मतलब व्हाट वी गेट? वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा एंड वन अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर. राइट? अगर आपको ये सिंपल टर्म्स में याद रखना है तो क्या होगा बेटा? अगर ये क्रॉस कर आएगा तो ओमेगा क्यूब है ना, ओमेगा क्यूब वन है कि नहीं बेटा? यस, सेम हियर. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन. और इस तरीके से अपन ने दो वैल्यूज ली बेटा, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा एंड वन अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर. दिस इज हाउ वी हैव गॉट इट. अब बोलो बेटा, इज इट क्लियर और नो? अगर हाँ तो अपन बिंदास आगे जाएंगे बेटा, और अगर ना अपन वापस पीछे जाके इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर. राइट? ये है सी ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर. वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या है बेटा? ओमेगा है. तो ये क्या आएगा? ए ओमेगा एंड वन अपॉन ओमेगा क्या है बेटा? ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्या आएगा? बी इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेम टर्म, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, विच गेट्स कैंसल्ड एंड यू गेट ओमेगा स्क्वायर विच इज योर आर एच एस. अब बोलो बेटा, इज इट क्लियर और नो? अगर ये क्लियर है तो अपन आगे जाएंगे, नहीं तो अपन वापस एक बार पीछे देख लेंगे बेटा. बोलो बेटा मुझे, जस्ट टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नो? ओके शैलेश, आई जस्ट रिपीट अगेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. पहले से ही करेंगे बेटा. ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन था, आई राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन. ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. This is equal to omega square. ये अपने को प्रूव करना है. Is it right बेटा? ये प्रूव करना है ना अपने को? ओके, अब क्या करेंगे अपन? We will divide and multiply the numerator. Divide and multiply the numerator. अब मैंने पूरा क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है. By क्या बेटा? Omega square. By omega square. अपने को देखो बेटा, ओमेगा स्क्वायर से जब अपन करेंगे ना तो वी गेट ओमेगा क्यूब, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? जिसके वजह से ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, वी गेट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज. अब ओमेगा स्क्वायर ही से क्यू मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे याद रखेंगे बेटा? देखो बेटा, आर एच एस में क्या प्रूव करना है अपने को? ओमेगा स्क्वायर, उसी से अपन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे. नॉट अ रूल, ये सिर्फ अपने लिए एक छोटा सा हिंट है बेटा कि ओमेगा स्क्वायर से अपन क्यू करते हैं. हाउ डू वी रिमेंबर दिस? ना ओमेगा स्क्वायर से अगर मैंने इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो ये क्या आएगा? ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा,
अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड द डिनोमिनेटर इज एज इट इज, उसको अपन ने कुछ भी नहीं किया है। अब बोलो बेटा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में देखो बेटा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपने को पता है बेटा क्या है, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, और यहां पर क्या होता है बेटा वन ऑफ द ओमेगा विल गेट कैंसल्ड, वी गेट बी अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसल्ड प्लस सी अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट ना बेटा। ओके अब देखो बेटा, वन अपॉन ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है ओमेगा स्क्वायर है, कैसे आई वो भी मैंने बताई थी, वापस बताता हूं मैं बेटा, आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है, वी कैन यूज इट डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला। क्या क्या अपन ने वन अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी गेट ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन है, वी गेट ओमेगा स्क्वायर वन अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर है क्या बेटा, इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है ना बेटा तो आगे का कोई इश्यू नहीं है, टेल मी। ओके बेटा, और वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या रहता है बेटा, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर उसको क्या करते हैं बेटा अपन, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर को वी विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, क्यों, क्योंकि अपने को ओमेगा क्यूब मिल जाता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन है, तो दिस विल बी ओमेगा, मतलब वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। और अब अपन यहां पर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, कि यहां पर ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर ही रहने, तो बाद में अपन उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर, अब ए वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर कितना बेटा, ओमेगा है कि नहीं है, ओके, प्लस बी वन अपॉन ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ओके रीअरेंज जब अपन करेंगे बेटा, सी सी ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, एक स्टेप अपन उसमें रीअरेंज करने में भी यस यूज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, नीचे भी देखो बेटा, सबसे पहले ये लिखेंगे ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे प्लस सी, ताकि वी कैन सी दैट बोथ दिस ब्रैकेट्स आर सेम विच गेट्स कैंसल एंड वी गेट ओमेगा स्क्वायर विच इज आवर आर एच एस। अब बोलो बेटा कुछ प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़, कोई घोटाला, कोई इशू, और ये सब आपने अच्छी तरह से लिखा क्या? ओके कोई गड़बड़ नहीं, कोई इश्यू नहीं, तो ठीक है बेटा एक बार नोट डाउन करो, अगर हो गया तो मुझे बताओ, जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि आपका हो चुका है। ओके बेटा वेरी गुड शैलेश, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अभी देखो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर फोर उस दिन आधा अधूरा ही रह गया था बेटा, मिस्टेक करके रखे थे अपन ने, एक्चुअली इट वॉज नॉट अ मिस्टेक, हमने एक स्टेप भूल गए थे, तो अपन करके लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा एंड जेड इज इक्वल टू ए बीटा प्लस बी अल्फा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वी हैव टू शो दैट एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके बेटा ये अपने को प्रूव करना है, राइट? तो पहले तो अपन ने क्वेश्चन लिखेंगे x क्या है, y क्या है और z क्या है, ये क्या है बेटा a अल्फा प्लस b बीटा एंड z जो है वो है a बीटा प्लस b अल्फा, ओके एंड वी हैव टू शो दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब
एंड वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये दिया है बेटा अल्फा और बीटा जो है बेटा, ये अल्फा एंड बीटा ये क्या है बेटा, दे आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब है अल्फा जो है उसका वैल्यू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, एंड बीटा क्या है बेटा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। करेक्ट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है बेटा उसने, ये नहीं दिया है कि अल्फा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू ये, उसने अपने को लिख के दिया इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर अल्फा एंड बीटा के ये वैल्यूज है बेटा। राइट, ओके, ऑल्सो वी नो दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। करेक्ट बेटा, ओके, अब दो चीजें इसमें और अपन पहले ही लिख के लेंगे बेटा। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है पहले अपन ये लिख के लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है बेटा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। ओके, तो ये देखो बेटा नीचे डिनोमिनेटर में टू और टू है, दैट इज वन बाय फोर, और यहां पर देखो बेटा a प्लस बी ए माइनस बी है। अब a प्लस बी ए माइनस बी ये क्या होता है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता है बेटा दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर इधर क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री आई का स्क्वायर, प्लस नहीं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना बेटा, तो माइनस आएगा। ओके, अब मुझे बोलो बेटा यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल द स्टेप्स आर क्लियर बेटा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी आती है देखो बेटा 1 बाय 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3 आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1, तो दिस विल बी 1 अपॉन 4, 1 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 होता है शायद, 4 विल गेट कैंसल एंड वी गेट 1, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज 1, बराबर है कि नहीं है। ओके, अपने को ये ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी लिख के लो बेटा, ताकि आगे अपने को ये पता चल जाए कि अल्फा इंटू बीटा ये माइनस 1 कैसे आया, इट शुड बी माइनस 1 बेटा, इट शुड बी माइनस 1, ये अपने को पता होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बोलो, बाद में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है बेटा, मेन अपने को यह पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन, और अल्फा प्लस बीटा भी निकालेंगे बेटा अपन। ओके बेटा, अभिजीत, अभिजीत ना बेटा कार्टून, आपका नाम अभिजीत ही है ना, आप डेली नहीं आते हो इसके लिए नाम भूल जाता हूं बेटा मैं। आदित्य, आई एम सॉरी, सॉरी आदित्य यार, सूर्यदेव का नाम है आपका। ओके, नाउ अपने को चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की भी अपने को वैल्यू चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू प्लस माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। वी कैन सी दैट द डिनोमिनेटर इज सेम, हम लोगों को सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करना है, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई माइनस वन माइनस रूट थ्री आई, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू अपॉन टू विच इज ऑल्सो माइनस वन। सो अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू माइनस वन है, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू, सॉरी ये प्लस वन है, आई एम सॉरी यहां पर मिस्टेक ही किया है बेटा, हमेशा की तरह देखो बेटा 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 4 आएगा, 4 अपॉन 4 दैट इज 1 विच इज 1, आई एम सॉरी, तो अल्फा इंटू बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा जो है वो है माइनस 1, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अब बोलो बेटा इतना सब नोट डाउन करो, लिख के लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। आगे जो है ना बेटा सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन,
जस्ट गिव मी अ रिस्पॉन्स बेटा, समझा या नहीं समझा? ओके शैलेश, गुड। नाउ हम लोग करेंगे द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में दिया है उसने x इंटू वाई इंटू जेड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉब्लम इज x इंटू वाई इंटू जेड। तो ये कैसे आएगा देखो बेटा, x इंटू वाई इंटू जेड, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है a प्लस बी, y की जो वैल्यू है वो है अल्फा a प्लस बीटा b, और z की है अल्फा ए बीटा प्लस बी अल्फा। ओके, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ओके बेटा, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, पहले ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लेंगे बेटा, कोई भी दो दो किया तो चलता है अपने को, राइट? ओके, तो ये क्या आएगा बेटा, अल्फा इंटू ए स्क्वायर, ए से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा बेटा, ए इंटू बी इंटू बीटा प्लस अभी ये वाला ए बी अल्फा प्लस बी स्क्वायर इंटू बीटा। ओके, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय ए बीटा प्लस बी अल्फा। अब मुझे बोलो बेटा, इज इट ओके? आगे जाने में फायदा नहीं है बेटा जब तक कि ये समझ में नहीं आए। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, बिंदास अपन आगे जाएंगे। ओके शैलेश, देखो बेटा अपन ने क्या किया है, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, ये पहले दोनों ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा a प्लस बीटा b, बराबर है ना बेटा? अब इन तीनों ब्रैकेट को अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव मल्टीप्लाइड दीज टू ब्रैकेट्स। पहले कैसे किया देखो बेटा, अपने को पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे होता, पहला ये a मल्टीप्लाइड बाय दिस होल सेकेंड ब्रैकेट, उसके बाद सेकेंड टर्म बी होल सेकेंड ब्रैकेट। तो ये क्या है बेटा, ए इंटू ए ए स्क्वायर अल्फा, ये क्या था ए बी इंटू बीटा, या था ए स्क्वायर अल्फा या था ए बी बीटा, ये क्या है बेटा ए बी अल्फा प्लस बी स्क्वायर बीटा, बराबर है ना? यही अपन ने इधर लिखा है बेटा, अल्फा ए स्क्वायर प्लस ए बी बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बी स्क्वायर बीटा। देखो बेटा, इज इट क्लियर? और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है उसको यहां पर लिख के लिया अपने, ए बीटा प्लस बी अल्फा। अब बोलो बेटा हाँ या हाँ? वी हैव डन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट टू ब्रैकेट, इज इट ओके और नो? ओके ओके बेटा, अब देखो ये जो पहला टर्म है अल्फा ए स्क्वायर, और ये दोनों सेकेंड टर्म्स है, इसमें ए बी कॉमन है बेटा, ए बी अगर मैं कॉमन लेता हूं अंदर क्या आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट ना? अब देखो बेटा ए बी कॉमन लिया, ए बी कॉमन लिया तो क्या बचा, अल्फा एंड बीटा प्लस बी स्क्वायर बीटा, ये आ गया पहले ब्रैकेट में, और दूसरे जो ब्रैकेट है उसमें आएगा ए बीटा प्लस बी अल्फा एज इट इज, इसको अपन ने कुछ नहीं किया। तो व्हाट वी हैव डन इन द स्टेप, ए बी को कॉमन ले लिया है, ए बी को कॉमन लिया, अंदर आ गया है अल्फा प्लस बीटा, एंड वी हैव सीन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, माइनस वन, तो वी राइट दिस एज अल्फा ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू माइनस वन प्लस बीटा इंटू बी स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा, ए बीटा प्लस बी अल्फा।
अपन ने बी स्क्वायर बीटा लिखा बेटा, वैसे ही लिखो, अदरवाइज अगेन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। बी और बीटा अच्छी तरह से डिफरेंशिएट होना चाहिए बेटा, ऐसा लिखो, अदरवाइज बाद में वापस बी है के बीटा है, ए है के अल्फा है, काफी कंफ्यूजन होता है बेटा बाद में। दे शुड हैव यूज्ड एक्स एंड वाई इंस्टेड ऑफ ए एंड बी, ताकि फिर ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना बेटा। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, अभी ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करके लेंगे बेटा। सो व्हाट वी गेट, अब देखो बेटा, अल्फा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए बीटा प्लस बी अल्फा माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए बीटा प्लस बी अल्फा। अब वापस डबल डबल करने के बजाय मैं पूरी स्टेप ही पहले से ही लिखता हूं, बी स्क्वायर बीटा अंदर क्या बेटा, ए बीटा प्लस बी अल्फा। ओके बेटा, दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता है। ये पूरा छुट्टा छुट्टा लिखने से क्या होता है बेटा, आपको वापस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, कैसा आएगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा क्यूब इंटू ए स्क्वायर बी, अल्फा क्यूब इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी इंटू बीटा। ये देखो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर बी इंटू बीटा माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा, ए बी स्क्वायर अल्फा। ओके, प्लस ये देखो बेटा भी, ए बी स्क्वायर बीटा क्यूब, ए बी स्क्वायर बीटा क्यूब, और लास्ट में ए बी स्क्वायर बीटा क्यूब लास्ट में देखो बेटा, प्लस बी क्यूब अल्फा बीटा, बी क्यूब अल्फा बीटा। नाउ दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग स्टेप। इसके लिए देखो बेटा, आप ये पूरा लिख के लो अच्छी तरह से, क्या किया है अपन ने, वी हैव जस्ट सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन मैंने जानबूझ के छुट्टे छुट्टे करके किए हैं, और बाद में फिर इनका प्रोडक्ट नीचे लिखा है, आप भी लिख के लो, और फिर अगर नहीं समझा तो मुझे बोलो, मैं इसको वापस एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन यू हैव टू राइट इट डाउन फर्स्ट। बिंदास लिखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। अपन ने क्या किया है देखो बेटा, पहले अल्फा ए स्क्वायर इंटू ये पूरी ब्रैकेट, मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता है कैसे करते हैं अपन, है ना बेटा। तो पहला ये टर्म अल्फा ए स्क्वायर, बाद में ये पूरी की पूरी ब्रैकेट ए बीटा प्लस बी अल्फा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा बेटा, माइनस ए बी, ये पूरी ब्रैकेट, है ना, ये ब्रैकेट देखो बेटा, ये पूरी ब्रैकेट अपन ने तीनों बार लिए, फिर बी स्क्वायर बीटा इंटू ये ब्रैकेट, करेक्ट। ओके, अब ये प्रोडक्ट कैसे आएगा देखो बेटा, ये प्रोडक्ट कैसे आएगा देखो बेटा, ये है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब, करेक्ट, ये हो गया पहला टर्म। उसके बाद दूसरे टर्म में देखो बेटा, ए स्क्वायर है बी है, ए स्क्वायर है बी है, और अल्फा अल्फा कितने बार है, अल्फा कितने बार है, दो ही बार है। ओके, अल्फा दो ही बार है, तो अल्फा क्यूब नहीं आएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर आएगा, करेक्ट, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बी। नाउ अभी इन दोनों का देखो बेटा, इन दोनों का माइनस ए स्क्वायर बी बीटा, ए स्क्वायर बी बीटा, करेक्ट, ए ए स्क्वायर बी एंड बीटा। अब यहां पर देखो बेटा, बी 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 स्क्वायर ए बी स्क्वायर इंटू, ओके व्हाट इज द मिस्टेक, What is the mistake? ए स्क्वायर बी बीटा बराबर, और ये क्या आएगा बेटा, ए इंटू बी स्क्वायर अल्फा, ए इंटू बी स्क्वायर अल्फा, करेक्ट ना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए है बी स्क्वायर और अल्फा है, करेक्ट। नाउ द लास्ट वाला ब्रैकेट, लास्ट वाला ब्रैकेट देखो बेटा, बी स्क्वायर ए है ए बी स्क्वायर बीटा, और ये बीटा
मतलब बीटा स्क्वायर होगा बेटा प्लस, अब बी स्क्वायर और बी है मतलब बी क्यूब होगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, हैव यू रिटन दिस एंड हैव यू अंडरस्टूड दिस? स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन है बेटा। नहीं है तो वापस रिपीट बोलो बेटा, आई विल रिपीट अगेन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिख के भी लो बेटा। बोलो बेटा, कोई बात नहीं शैलेश, आई विल रिपीट द लास्ट लाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एक बार वापस अपन ये रिपीट करेंगे। अब देखो बेटा, ये भी लाइन रिपीट करेंगे चलो, ताकि फिर ये और भी ज्यादा आसान हो जाए आपको। आपने तो ये लिख ही लिया होगा बेटा, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन हियर। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है कैसे होगा बेटा, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है बेटा, ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म ऑफ द नेक्स्ट ब्रैकेट, मतलब अल्फा इंटू ए स्क्वायर, उसके साथ ये दूसरा ब्रैकेट ए बीटा प्लस बी अल्फा, करेक्ट? ओके, माइनस ए बी इंटू ये ब्रैकेट ए बीटा प्लस बी अल्फा एंड प्लस बी स्क्वायर बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी अल्फा, करेक्ट है ना बेटा? ओके, अब ये प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर है ए है मतलब ए क्यूब आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा, करेक्ट? अब जो है बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें क्या है, ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर, करेक्ट? अब पहला टर्म हो गया, अभी ये सेकेंड वाली ब्रैकेट, इसमें क्या आएंगे बेटा ए बी और ए बीटा का प्रोडक्ट आएगा, मतलब ए ए ए स्क्वायर बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया बेटा अपन ने, सिर्फ ए स्क्वायर है बी है और बीटा है, माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं अभी अपन, ए बी स्क्वायर इंटू अल्फा, करेक्ट? ओके, अब देखो बेटा यहां पर, ये यहां पर देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस इन दोनों का क्या आएगा बेटा बी क्यूब इंटू अल्फा बीटा। अब बोलो बेटा इज इट ओके? ओके बेटा, अब देखो वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, कितना निकाला है देखो बेटा अपन ने, अल्फा इंटू बीटा इज वन, कैसे आया वो भी अपन ने देख लिया है। विल सब्स्टिट्यूट हियर, ये क्या आएगा बेटा ए क्यूब इंटू वन, अल्फा बीटा इज वन। अब देखो ए स्क्वायर बी कॉमन आता है बेटा, अंदर क्या आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, कॉमन लिया ना बेटा, इन दोनों टर्म में से अपन ने क्या किया बेटा ए स्क्वायर बी को कॉमन लिया है, इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर बी को कॉमन लिया है, अंदर क्या बचता है बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा। इन दोनों में भी देखो बेटा ए बी स्क्वायर कॉमन है, माइनस ए बी स्क्वायर जो अपन ने कॉमन लिया है, अंदर क्या आएगा बेटा माइनस कॉमन लेने की वजह से अल्फा जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और बीटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये बीटा क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा वन है। ओके, व्हाट वी हैव डन इन दिस स्टेप, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वन अपन ने सब्स्टिट्यूट की है, और ये जो बाकी के टर्म्स है बेटा इन टर्म्स में से, इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर बी कॉमन लिया अपन ने, अगर ए स्क्वायर बी कॉमन लिया तो क्या था बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, और इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या किया बेटा माइनस ए बी स्क्वायर को कॉमन लिया, माइनस ए बी स्क्वायर को कॉमन लिया है,
अंदर क्या आएगा बेटा, माइनस लेने की वजह से अल्फा की साइन जो माइनस थी वो प्लस हो गई, और बीटा स्क्वायर प्लस की माइनस हो गई, और प्लस बीटा क्यूब अल्फा बीटा की वैल्यू 1, राइट बेटा? ओके ना, वी नो दैट, व्हाट वी नो, अपने को पता है बेटा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, अपन ने प्रूव किया क्या नहीं बेटा? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब अपन ने देखा तो अपन ने देखा था कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, अल्फा स्क्वायर क्या लिया बेटा अपन ने, बीटा, अल्फा स्क्वायर इज बीटा माइनस बीटा ए बी स्क्वायर अल्फा एंड बीटा स्क्वायर इज अल्फा, ओके प्लस बी क्यूब, तो ये क्या आएगा बेटा ए क्यूब बीटा माइनस बीटा जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहां पर भी अल्फा माइनस अल्फा जीरो, पूरा टर्म जीरो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज योर राइट हैंड साइड, ओके बेटा? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, सिंपल तो बहुत है बेटा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और दो तीन चीजें अपने को उनके प्रॉपर्टीज याद रखने बेटा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा इज प्लस वन, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी पड़ती है बेटा। शैलेश क्या बोलना चाहते हो बेटा आप? अंडरस्टूड और नो बेटा? ऑल ऑफ यू शुड गिव मी द कमेंट लास्ट लाइन, ओके बेटा नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो बेटा यहां पर ए क्यूब को अपन ने एज इट इज लिख लिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है कि नहीं बेटा? अल्फा इंटू बीटा इज 1, ऑलरेडी अपन ने यहां पर प्रूव किया है बेटा अल्फा इंटू बीटा इज 1, तो फिर क्या किया बेटा अपन ने, ए क्यूब अल्फा इंटू बीटा को 1 लिख लिया। अभी यहां पर देखो बेटा, इन दोनों में अपन ने ए स्क्वायर बी को कॉमन लिया बेटा, ए स्क्वायर बी को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर बी चला गया मतलब अल्फा स्क्वायर बचेगा और बीटा बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, करेक्ट? ओके, अब इन दोनों में माइनस ए बी स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, कौन से दोनों में, इन दोनों में माइनस ए बी स्क्वायर को कॉमन लिया बेटा, माइनस ए बी स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा अंदर, क्या बचा इधर, अल्फा और ये बीटा स्क्वायर, माइनस बाहर लेने की वजह से अल्फा की साइन पॉजिटिव हो गई और बीटा स्क्वायर की निगेटिव हो गई, करेक्ट? अगर अपन ने प्लस भी लिया था तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, ओके साइन चेंज नहीं होती फिर, और ये बी क्यूब और अल्फा इंटू बीटा इज 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, यस और यस? अभी जो लाइन अपन ने की है ये रेड वाली, रेड टिक वाली, इज इट क्लियर? ओके, अब क्या किया देखो बेटा अपन ने, ए क्यूब इंटू 1 इज ए क्यूब, अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, वी नो दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, याद है कि नहीं बेटा? और अगर याद नहीं है तो मैं अपन वापस में बताऊंगी, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं बेटा तो क्या आएगा बेटा, नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 रूट 3 आई प्लस 3 आई स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2 रूट 3 आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, इसके लिए आता माइनस 3 अपॉन 4, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा बेटा, माइनस 2 माइनस 2 रूट 3 आई अपॉन 4, अल्फा स्क्वायर 2 कॉमन, तो अंदर क्या आएगा बेटा, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 4, 2 2 कैंसल, तो क्या आएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट बीटा, तो अल्फा स्क्वायर की जगह पे क्या लिया बेटा अपन ने,
अल्फा स्क्वायर की जगह लिया अपन ने बीटा, और ये माइनस बीटा एज इट इज, माइनस बीटा एज इट इज, माइनस ए बी स्क्वायर अल्फा एज इट इज, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू, बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अल्फा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बी क्यूब। अब देखो बेटा ये ए क्यूब एज इट इज, बीटा माइनस बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और ये भी देखो बेटा अल्फा माइनस अल्फा जीरो इंटू एनी टर्म इज जीरो, ये भी जीरो, बचेगा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ इज इट क्लियर, आई रियली होप इट इज क्लियर ना, और अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, मैं वापस बताऊंगा। ओके बेटा, सो विद दैट दिस क्वेश्चन इज ओवर, एंड नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये काफी आसान है बेटा कंपेयर टू दिस टू। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वी हैव टू प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस वन क्यूब इज माइनस एट। व्हाट वी टू प्रूव, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट, ये अपने को प्रूव करना है बेटा। राइट, नाउ व्हाट वी नो, वी नो दैट, अभी इधर बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो है कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन कितनी है, जीरो है। इसका मतलब है द एडिशन ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ वन इज जीरो। क्यूब रूट ऑफ वन कितना है बेटा, वन, लेकिन उसके साथ अपन ने दो और निकाले थे द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, एक तो है ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर, उन तीनों की एडिशन जीरो आती है, ये अपने को ऑलरेडी पता है बेटा। तो फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आएगा बेटा, माइनस वन आएगा, राइट, इट विल बी माइनस वन, माइनस वन यहां पे सब्स्टिट्यूट करो बेटा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह अपन माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये माइनस वन तो है ही है, उसका क्यूब कितना आएगा बेटा, माइनस टू का क्यूब विच इज माइनस एट, मतलब आवर आर एच एस। ओके बेटा, बहुत ही छोटा सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, आई होप इट इज क्लियर, और अगर नहीं तो आस्क मी टू रिपीट, आई विल रिपीट। ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर, यस शैलेश यू हैव सेड दैट इट इज क्लियर नाउ, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को प्रूव करना है बेटा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे बेटा, सारे ए के टर्म्स एक साथ लेंगे बेटा, ए प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद बी के सारे टर्म्स एक साथ लेंगे अपन, बी के सारे टर्म्स एक साथ लेंगे, बी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, राइट। ओके, ए कैन बी टेकन एज कॉमन फ्रॉम दिस थ्री टर्म्स, अपने को मिलता है वन
प्लस ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर बी कॉमन लेंगे बेटा अपन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, करेक्ट। क्या किया बेटा अपन ने, पहले तो ए के सारे टर्म्स एक साथ ले लिए, उसके बाद बी के सारे टर्म्स एक साथ ले लिए, करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट क्या किया बेटा अपन ने, ए को कॉमन ले लिया तीनों में से, ए कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा बेटा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर जब मैं बी कॉमन लेता हूं तो क्या आता है बेटा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है बेटा, अपने को पता है, ऑलरेडी वी हैव सीन एडिशन ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ वन इज जीरो, पता है ना बेटा, अभी अभी अपन ने लिखा था यहां पर, यहां पर देखो बेटा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही लिखा है बेटा शैलेश आपने, तो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो, ए इंटू जीरो जीरो होता है बेटा, बी इंटू जीरो भी जीरो होता है, दोनों का एडिशन भी जीरो होगा, विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस, करेक्ट बेटा, कोई इशू? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रिवाइज इन शॉर्ट द समरी। ये देखो बेटा, ये समरी जो देते हैं ना, ये बहुत अच्छी देते हैं बेटा, शॉर्ट में सब कुछ दे देते हैं अपने को, सो वी शुड ऑलवेज गो थ्रू द समरी। अ नंबर ऑफ द, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर, आई की वैल्यू कितने बेटा, रूट ऑफ माइनस वन, इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। नाउ अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन कैसे होता है बेटा, वी एड द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट। और मल्टीप्लीकेशन कैसे आता है बेटा, अपन अपन सारे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के जैसे उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा, अपने को पता है बेटा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आई रेस टू फोर के कितना आता, वन, फोर के टर्म्स में देखा था अपन ने, आई रेस टू फोर वन आता है, तो आई रेस टू फोर के कितना आएगा, वन ही आएगा। आई रेस टू फोर के प्लस वन आई आता है बेटा, आई रेस टू फोर के प्लस टू क्या आता है बेटा, माइनस वन, आई रेस टू फोर के प्लस थ्री कितना आता, माइनस आई, ऑलरेडी ये सारी चीजें अपन ने देख ली। कॉन्जुगेट कैसे आता है बेटा, ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट है ए माइनस आई बी, इसके आंसर आपने बहुत सही दिए थे बेटा पहले। नाउ देयर आर थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर डिनोटेड बाय वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके राइट। सो विद दैट दिस इज ओवर, इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज टुडे वी लीव अर्ली, वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट वन इटसेल्फ, चौथा चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, सिक्वेंस एंड सीरीज, द फोर्थ चैप्टर सिक्वेंस एंड सीरीज ऑफ पार्ट वन, ऑफ पार्ट वन, ओके बेटा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू आस्क एनी ऑफ द क्वेरीज इफ यू हैव, सो दैट वी कैन क्लियर योर डाउट्स। शैलेश, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन के क्यूब रूट, यूनिटी मतलब क्या बेटा, यूनिट, यूनिट मतलब वन, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शायद शैलेश आपने ये पहले भी पूछा था अपने को, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ वन, यूनिटी मतलब वन, वन के क्यूब रूट्स, और वन के क्यूब रूट देखे थे अपन ने, तीन देखे थे, एक तो वन खुद है, दूसरा अल्फा है जिसकी वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री प्लस लेंगे अपन, एंड बीटा जो है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, ओके बेटा। तो अल्फा को अपन क्या करते बेटा, ओमेगा लिखते, और बीटा को ओमेगा स्क्वायर लिखते, क्योंकि अपन ने को ऑलरेडी पता है, क्या पता है बेटा, कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, इसके लिए अपन ने द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ वन उसको लिखा है अपन ने, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, उनके वैल्यूज आपको पता है। ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है बेटा, क्यों के बीटा वन ऑफ द क्यूब रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर,
और बेटा क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं बेटा, पहले पूछा भी होगा तो भी वापस पूछ सकते हो, दो बार पूछ सकते हो, तीन बार पूछ सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है बेटा, राइट। अपना मेन इश्यू है वी हैव टू गेट ऑल दिस थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। ओके बेटा, तो ये सारा जो है अपने ने जो देखा था इसमें क्यूब रूट्स में वन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर थ्री क्यूब रूट्स, अपने को पता है बेटा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों की एडिशन कितनी आती जीरो, एंड ओमेगा क्यूब जो है वो आता है वन। ओके ओके, अब आई का तो आपको सब याद है, आई का आपको सब याद है, आई रेस टू क्या करते बेटा अपन, फोर एन प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई रेस टू अल्फा, करेक्ट। और चार टर्म्स क्या है बेटा, आई की वैल्यू रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यूब, आई क्यूब क्या बेटा माइनस आई, एंड आई रेस टू फोर इज वन, ये भी चारों वैल्यूज आपको पता है, करेक्ट। ओके, बाकी तो सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव सीन। अब अगर कोई इश्यू है तो वापस पूछ सकते हो बेटा, एनी मोर इश्यू इन दिस चैप्टर? ओके शैलेश, आई डोंट थिंक देर आर एनी मोर इश्यूज, स्टिल आई विल वेट फॉर टू मोर मिनट्स एंड देन वी कैन लीव। ओके बेटा, ओके देन फ्रेंड्स, इट्स बाय फॉर टुडे, टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, टिल देन बाय फ्रेंड्स।